फ्रेंड्स, आईक्यू का फाइनली इंडिया में उसका 5G स्मार्टफोन आ चुका है, जो कि है आईक्यू 3 5G। तो आज हम लोग इस फोन के बारे में बात करेंगे, क्या है इस फोन की स्पेसिफिकेशंस, इस फोन की क्या खासियत है, क्या रहा है इसका ओवरव्यू, जो भी है सब। तो देखते रहिए मेरे इस वीडियो को, और अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो जाइए तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस जरूर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास वर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आईक्यू ने फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना 5G स्मार्टफोन, जो कि है आईक्यू 3 5G। एंड आप लोग जानते ही हैं, इस फोन आईक्यू की तरफ से जो भी पहले सेट आए हैं वो काफ़ी अच्छे थे, प्रीमियम थे, लुक वाइज काफ़ी अच्छे थे। तो ये जो आईक्यू का ये सेट है ये भी काफ़ी अच्छा है, लुक में काफ़ी अच्छा प्रीमियम दिखता है। एंड जो भी इसका लुक है बहुत ही अच्छा है। बैक में इसका जो कैमरा का सेटअप मिलता है वो एकदम डिफरेंट है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आज हम लोग इस फोन के बारे में बात करने वाले हैं। फिर बात करते हैं हम लोग इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। सो, इस फोन में 6.44 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि HDR+ सर्टिफाइड है। एंड इस फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस फोन में यार कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि फोन के जो प्रोटेक्शन है उसको काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर देगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि यार बहुत अच्छा है। एंड इस बजट में तो यार फाइनल देखने को मिलेगा ही। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस फोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है और 13 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा है, जहाँ पर ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर 2x ऑप्टिकल जूम है एंड 20x तक का जूम आप लोग कर सकते हैं। इस फोन का जो तीसरा कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड माइक्रो मोड के साथ आता है। और जो इसका चौथा कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का बुके इफेक्ट के साथ आता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग को 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, इस फोन में जो कैमरा के मोड्स हैं वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, क्योंकि इस फोन में बहुत सारे मोड्स कैमरा में मिल जाएंगे आप लोग को। और इसका वीडियो स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, तो मतलब इस फोन से जो आप लोग की फोटोज होने वाली है बहुत ही अच्छी होंगी, और इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है, मतलब नेक्स्ट लेवल वाली। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर मिलता है, जो कि है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 2.84 GHz की है, तो मतलब ये जो प्रोसेसर है काफ़ी पावरफुल है। एंड जो लोग गेमिंग करते हैं फ़ोन में उनके लिए बहुत अच्छा है, इसमें PUBG COD जैसे गेम तो बहुत ही आसानी से रन हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बात करें इस फोन के UI के बारे में। तो यहाँ पे आईक्यू की तरफ से आईक्यू का UI देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो एंड्रॉयड वर्जन है वो लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है। एंड फ्रेंड्स, बात करें इस फोन की रैम एंड स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग को 12 GB की रैम देखने को मिल जाएगी एंड 256 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। जो इसकी रैम है वो काफ़ी अच्छी है एंड स्टोरेज जानते हैं 256 GB बहुत ही ज़्यादा है। फ्रेंड्स, बात करें इस फोन के बैटरी की। तो यहाँ पे आप लोग को 4440 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इस फोन में 55 W का चार्जर मिल जाता है, जो कि एक फास्ट चार्जर है, काफ़ी सुपर फास्ट चार्जर जिसे बोलेंगे। तो ये आपके फ़ोन को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस फोन के नेक्स्ट फीचर की। तो वो गेमर्स के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस फोन में ट्रिगर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, दोनों साइड ट्रिगर्स होंगे, तो वो गेमिंग में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये फोन 3 कलर में देखने को मिल जाता है, जो कि है टोर्नेडो ब्लैक, वेलकनो ऑरेंज एंड क्वांटम सिल्वर कलर। एंड फ्रेंड्स, इस फोन के प्राइस की बात करें तो ये आप लोग को मिलने वाला है 44,990 का। एंड इसकी जो सेल स्टार्ट होने वाली है वो 4th March से स्टार्ट होगी। तो बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके कि आप लोग को ये फ़ोन कैसा लगा, कैसा रहा इसका स्पेसिफिकेशंस,
एंड आप लोग को ये फ़ोन अच्छा लगा या नहीं लगा, आप लोग इस फ़ोन को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, जो भी जैसा भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं एंड मेरा फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। तो जाइए आप लोग को इस सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके जाइए वहाँ से मुझे फॉलो करिए। फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग का अगर कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, या आप लोग की कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।